मैं दिल्ली हूं। मैंने देखा कि महाराज परीक्षित ने तक्षक को ऋषि जर को सौंप दिया। ऋषि जर ने तक्षक को क्षमा कर दिया, किंतु नागवंशी सभा ने तक्षक को मुखिया के पद से हटा दिया। क्रोध से भरे हुए तक्षक ने महाराज परीक्षित से अपने अपमान का बदला लेने की सौगंध उठाई। महाराज परीक्षित ने महारानी को बताया कि उनका बेटा गुरुकुल से वापस आ रहा है। जब राजकुमार महल की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट नागवंशी कन्या मोहिनी से हुई और उनमें प्रेम हो गया। तक्षक को इस बात ने बहुत क्रोधित किया। राजकुमार को उसके माता पिता ने बताया कि वो शीघ्र ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। इधर जन्मेजय युयुत्स से मिला। उसे याद आया कि उसे किसी का ऋण चुकाना है और मैं चिंतित दृष्टि से देख रही थी कि इस भेंट का परिणाम क्या होगा। मोहिनी, पूजा हो गई? पूजा तो अब आरंभ होगी। अब? हाँ, देवी तो अब प्रकट हुई है। तुम कब आए? मध्यरात्रि में। क्या तुम मध्यरात्रि से हमारे यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हो? तो क्या हुआ, जिस प्रकार जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है उसी प्रकार प्रतीक्षा भी प्रेम का एक आवश्यक अंग है। तुमने रात के दो पहर यहाँ काट दिए और हम अपने निवास पर शैया तोड़ते रहे। तुम तो घाटे में रहना परदेसी। नहीं, यदि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करता रहता और तुम यूं ही आ जाते, मैं तब भी घाटे में नहीं रहता। संसार में प्रेम ही तो है जिसमें घाटे में भी लाभ ही दिखाई देता है। परदेसी, वो कैसे? वो ऐसे, तुम्हें देखते ही मैंने अपना हृदय खो दिया, किंतु मैं कितना प्रसन्न। अब तुम ही बताओ, कोई अपनी प्रिय वस्तु खोने के बाद इतना प्रसन्न हो सकता है? तुम सत्य कहते हो, दशा तो हमारी भी यही है। मन तो हम अपना भी खो बैठे हैं। एक बात कहें? कहो। कल तक हम गहरी नींद सोया करते थे और अब देखो ना, हम सो ही नहीं पाते। क्यों? तुम जो हमारी प्रतीक्षा में यहाँ पर जाग रहे थे। एक और बात कहें परदेसी?
यदि कल को हमें तुम्हारी इस तरह से प्रतीक्षा करनी पड़ी ना, हम तो मर जाएंगे। मोहिनी, जीवन की बात करो, मिलन की बात करो, छोड़ने की नहीं। जानती हो, प्रेम और भक्ति में एक सूक्ष्म सा अंतर होता है। भक्ति मोक्ष चाहती है और प्रेम बंधन। परदेसी, जिस प्रकार हम तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगते जा रहे हैं और हमारे घर में आर्यों के प्रति जितनी घृणा है, हमें अपना और अपने प्रेम का भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। नहीं मोहिनी, हमारा प्रेम उस घृणा को सदैव के लिए समाप्त कर देगा। बस मुझे इस पूर्णमासी तक का समय दे दो। इस पूर्णमासी को क्या होगा? जैसे जैसे आकाश में पूर्ण चंद्र आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम दोनों का भाग्य चंद्र, हम दोनों के जीवन के आकाश में खिल उठेगा। मोहिनी, हम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है। हमें दुनिया की कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। ये एक आर्य का वचन है तुमसे। एक बात ध्यान रहे, आर्यों के वचन के समान हम नागवंशियों का प्रतिशोध भी चक्रप्रसिद्ध है। कहीं इन दोनों के बीच ये नागकन्या ना पिस जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोहिनी। अच्छा, अब हम चलते हैं, कहीं मनसा बुआ हमें ढूंढते हुए यहां तक ना आ जाए। ठीक है, किंतु मुझे उस ऋण से तो मुक्त करती जाओ। कैसा ऋण? भूल गई, कल जिसका वचन दिया था तुम्हें, तुम्हारी गागर। अरे वही देने तो आया हूं मैं, वही रखी मेरे अश्रु के पास। ओ, तुम गागर लाए हो? चलो चलकर देखते हैं तुम्हारी नगरी में कैसी गागर बनती है। चलो। ये लो स्वर्ण कलश। स्वर्ण कलश, इसका हम क्या करेंगे? क्यों, जल भरना? इसके तो टूटने का भी भय नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये, इसे कोई बाण भी नहीं भेज सकता। नहीं परदेसी, हमें अपने मिट्टी की वैसी ही गागर चाहिए। हमें इस स्वर्ण से घृणा है। जानते हो, इसी स्वर्ण के कारण हमारे बापू को राज दरबार में अपमानित होना पड़ा। इसी के कारण उन्हें मुखिया के पद से हटा दिया गया। हम तो इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमें हर्ष है कि हमने तुम्हारा चुनाव किया। अब तो हमें अपने प्रेम पर गर्व है। लगता है कोई आ रहा है, तुम यहां से चले जाओ। मैं चला जाता, लेकिन इस स्वर्ण कलश को वापस लेकर मैं नहीं जा सकता। अब इसका क्या करना है मैं तुम पर छोड़ता हूं। क्या कर रही? पापू, आज से पहले तुमने ये कभी नहीं पूछा? देख मोहिनी, तेरा पिता हूं, स्नेह करता हूं तुझसे, किंतु याद रख, जिस दिन मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि तू किसी आर्य के हाथ नागवंशियों का सम्मान बेच रही है, तो इन्हीं हाथों से तेरा वध कर दूंगा। समझ गई तू? अब रहने भी दो भैया, मैंने अकारण ही मोहिनी पे संदेह किया और आपको यहां लेकर आई। ठीक है, ध्यान रखना इसका। जी जन्मजली, तू भयानक खेल खेल रही है।
खेल तो खेल है बुआ, इसमें हार भी हो सकती है और जीत भी। महाराज की जय हो। कलयुग, तुम यहां कैसे आए? क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं तो आपका आभार प्रकट करने आया हूं। इस बात का आभार? महाराज, आपने मुझे स्वर्ण में रहने की अनुमति जो दे दी, आपने देखा महाराज, स्वर्ण में मेरे निवास करते ही कितना महत्व तो बढ़ गया उसका, कितना आकर्षण हो गया उसका। केवल इतना ही नहीं, कितना मोह जगा उसके प्रति लोगों के मन में। चुप रहो, हमने तुम्हें स्वर्ण में रहने की अनुमति दी और प्रथम बार हमारे राज्य में चोरी की घटना घटी, परंतु कलयुग यह प्रथम और अंतिम बार है। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए, अभी तो केवल चोरी हुई है, आप आगे आगे देखते जाइए महाराज कि स्वर्ण क्या क्या उत्पात मचाता है। तुमने भूल की कि तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी, परंतु अब कलयुग तुम अब यहां नहीं रह सकते, नहीं रह सकते यहां। महाराज, यदि आपने मुझे निकाल भी दिया तो भी जीत मेरी ही होगी। कैसे? आपने मुझे शरण देने का वचन दिया है महाराज, और मुझे निकालने का अर्थ है आपने अपना वचन तोड़ दिया, और यदि राजा वचन तोड़ दे तो लोग कहेंगे कलयुग आ गया। बंद करो ये हंसी, बंद करो कलयुग। रुष्ट न होइए महाराज, मैं तो आपको चेतावनी देने आया हूं। चेतावनी? कैसी चेतावनी कलयुग? महाराज, आप मेरे प्रहार से नहीं बच सके, अब मेरा लक्ष्य है राजकुमार। एक नई कहानी जन्म ले चुकी है, रहस्य और रोमांच से भरपूर, जिसका लेखक मैं हूं और नायक आपका पुत्र। हमारा पुत्र? जी हां महाराज, राजकुमार जन्म है जय। क्या आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कलयुग, बताओ। महाराज, पिता आप हैं या मैं हैं? कलयुग, इसी समय निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। महाराज, मैं तो आया हूं, चाहूंगा नहीं, परंतु महाराज जाकर देखिए आपके पुत्र की दशा क्या है। चाहिए महाराज, जाइए। क्या हुआ महाराज, आपने जन्मेजय का नाम क्यों लिया? क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देखा है? नहीं महारानी, हम विश्राम कीजिए, हम अभी आते हैं।
अरे शक्ति, कामदेव की रति है मोहिनी, उसे अपने रूप रंग पर इतना घमंड है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करती किसी से, और ये सोचता है कि गजरू प्रधान का बेटा है, परंतु ये नहीं जानता कि मोहिनी इसे घास भी नहीं डालेगी। शिवो, मैंने एक बार कह दिया ना, मोहिनी पर केवल मेरा अधिकार है। अरे ये तू कह रहा है, किंतु मोहिनी तेरे विषय में क्या सोचती है, क्यों भाइयों? अरे वो इसके बारे में सोचती भी है या नहीं, किसे पता। अरे शक्ति, मैंने तो सुना है कि वो आजकल नित्य दिन अपनी गगरी फुड़वा रही है। जंगी! अरे अरे, ये क्या कर रहा है, मैं तो हंसी कर रहा था। मैंने कहा ना, मैं नहीं सुन सकता मोहिनी के विषय में ऐसी बात। देख शक्ति, तेरा बापू इस नागवंशी समुदाय का प्रधान है, किंतु मोहिनी का पिता भी कम नहीं है। माना वो आज हमारा मुखिया नहीं रहा, किंतु क्या अंतर पड़ता है, इस समुदाय में उसके चर्चे आज भी हैं, और वो आज भी हम सब पर बहुत भारी है। अरे शक्ति, जानते हो किसकी बेटी है मोहिनी? तक्षक की बेटी है, और वो भी किसी बागिन से कम नहीं। दिन भर वन में घूमती रहती है, किसका इतना साहस कि उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखे। बस ये समझ ले शक्ति कि मोहिनी ऐसी लड़की नहीं जिससे कोई भी बलपूर्वक अपने वश में कर सके, और यदि उसे अपने वश में करना है तो केवल एक शस्त्र है, और वो है प्रेम। अब ये बता शक्ति, क्या मोहिनी भी तुझसे प्रेम करती है? यही बात तो मुझे स्पष्ट करनी है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। नहीं मानेगा, मधुमक्खी के छत्ते को छूने जा रहा है, देखना यह है कि उसके मुख पर कौन सी लाली आती है, सफलता की या फिर बागिन के नाखूनों की खरोच की। अरे मोहिनी, मैं हूँ शक्ति। हमने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारा पीछा मत किया करो। पर मोहिनी, मैं तुम्हारा पीछा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो केवल तुमसे बात करना चाह रहा था। किंतु हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो मोहिनी, तुम्हें मुझसे बात तो करनी ही होगी। यदि मैं तुमसे बात ना करूं तो? अब मैं तुम्हें विवश तो नहीं कर सकता। तुम क्या विवश करोगे, हमें तो कोई भी विवश नहीं कर सकता। मोहिनी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे रुष्ट क्यों हो, और इसका कारण भी मैं जानता हूं। मेरे बापू वो प्रधान है ना समुदाय के, उन्होंने तुम्हारे पिता को मुखिया के पद से हटा दिया। तुम्हारा क्रोध अनुचित नहीं है मोहिनी। नहीं शक्ति, ये कारण नहीं है। तुम्हारे पिता प्रधान हैं, सब उनका आदर करते हैं, हम भी उनका आदर करते हैं। यदि उन्होंने हमारे पिता को मुखिया के पद से हटा दिया तो इसमें इनका कोई दोष नहीं, दोष हमारे पिता का है, जिन्होंने चोरी जैसा अपराध किया, जिसके लिए महाराज परीक्षित के सैनिकों ने उन्हें पकड़ भी लिया। महाराज तो उनके दोनों हाथ ही काट देते यदि हमारे फूफा ऋषि जत उचित समय पर राज्यसभा ना पहुंचते। किंतु हम ये मानते हैं, दोषी को उसके दोष का दंड अवश्य मिलना चाहिए, जो उन्हें मिला। किंतु हमें इस बात का खेद नहीं, खेद तो हमें इस बात का है कि हमारे पिता ने चोरी जैसा घिनौना अपराध किया, जिसके कारण सारे नागवंशियों का सिर लज्जा से झुक गया। यदि ये बात है तो फिर तुम मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहती हो? ये अलग विषय है, तुमसे बात करना या ना करना हमारी इच्छा पर है। किंतु मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे बात करूं, तुमसे मित्रता बढ़ाऊं। देखो शक्ति, यदि तुम्हारे मन में हमारे प्रति कोई भी भावना या विचार है तो उसे निकाल कर फेंक दो। तो इसका अर्थ है कि तुम किसी और से? शक्ति, इसका अधिकार तुम्हें किसने दिया? अधिकार की बात नहीं मोहिनी, मैं तो तुम्हें अपने मन की बात बता रहा था। तो फिर सुन लो, हमें तुम्हारे मन की बात नहीं सुननी, और आज के पश्चात हमारा रास्ता कभी मत रोकना। मोहिनी, हमने कह दिया ना, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम भी देखना मोहिनी कि तुम्हारे हृदय में मैं अपना स्थान किस तरह बनाता हूं। बुआ, बुआ। अरे शक्ति, तुम आओ। हाँ बुआ। कैसा है तू? ठीक हूं बुआ। इधर कैसे आना हुआ? आपसे कुछ आवश्यक बात करनी थी बुआ।
कोई गंभीर बात? बात मोहिनी के विषय की है तो गंभीर तो होगी ही बुआ। क्या हुआ मोहिनी को? मोहिनी को कुछ नहीं हुआ है बुआ। मैं तो डर ही गई थी। सच बात तो यह है कि डर मैं भी गया हूं बुआ। मोहिनी से बात करते हुए मुझे भी डर लगता है। बात क्या है शक्ति, स्पष्ट रूप से कहो ना। तुम तो जानती हो बुआ कि मैं मोहिनी से कितना प्रेम करता हूँ, कितना चाहता हूँ उसे। तो अब क्या हुआ? जब से मेरे बापू ने मुखिया के पद से हटाया है तुम्हारे भाई को, मैं ये देख रहा हूँ कि मोहिनी ने मुझसे सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया है। आज मैंने उससे बात करने का प्रयत्न किया किंतु। किंतु? किंतु क्या? किंतु उसने मेरी बात का ठीक से उत्तर नहीं दिया। तुमने उससे क्या बात की? मैंने तो केवल उससे अपने हृदय की बात कही थी। कहा था कि उससे बहुत प्रेम करता हूँ। उसने क्या उत्तर दिया? वह कहती है कि उसके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। कहती है कि मैं उसे भूल जाऊं, किंतु मोहिनी को भुला देना मेरे लिए असंभव है बुआ, असंभव। देख शक्ति, मैं मोहिनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वह हृदय की बहुत ही अच्छी लड़की है, परंतु स्वभाव की उतनी ही हठी। यदि मोहिनी ने एक बार ना कर दी है तो उसे हाँ में कोई भी नहीं बदल सकता। आप बदल सकती हैं। मैं जानता हूँ मोहिनी आपसे बहुत प्रेम करती है, आपका बहुत आदर करती है, आपका कहा वो कभी नहीं टालेगी। अब तो मुझे बस आप ही का सहारा है बुआ। मेरा विश्वास करो बुआ, मोहिनी से विवाह करके मैं उसे संसार के सारे सुख दूंगा। अपनी पलकों पे उसे बिठाऊंगा, अपने हृदय में उसे रखूंगा, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दूंगा। देख शक्ति, मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ, परंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं कि मुझे भैया से बात करनी पड़ेगी इस विषय में, और मुझे नहीं लगता भैया मेरी बात मानेंगे। नहीं बुआ, आपकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। आप केवल मुझे अपना आशीर्वाद दे दें। शक्ति, तू समझता क्यों नहीं है? वैसे तो कोई बैर नहीं है तुझसे, परंतु जो कुछ भी मेरे भैया के साथ हुआ है उसमें तेरे बापू को तो नहीं भुलाया जा सकता ना। ये मेरे भैया के आत्मसम्मान की बात है, और गजरू का बेटा होने के कारण उनके मन में भी तो द्वेष होगा ना तेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटी का हाथ वो तेरे हाथ में देंगे। किंतु ये तो कोई कारण नहीं हुआ। तुम्हारे भाई को मुखिया के पद से हटाने का निर्णय केवल मेरे बापू का तो नहीं था, यह तो पूरी नागवंशी सभा का निर्णय था। मेरे बापू को तो इस बात का खेद है कि तक्षक ने ये भूल की तो कैसे। हाँ, और उसी भूल का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है उसे। वो रात दिन अंगारों पर लौट रहा है। मैं तो डर रही हूँ कि किसी दिन आवेश में आके वो कुछ कर ना बैठे। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा बुआ, कि मेरे बापू के मन में कोई द्वेष नहीं है और ना ही मुखिया के पद का कोई लोभ। इसीलिए तो वो स्थान अभी तक रिक्त पड़ा है जिसके लिए वो उपयुक्त व्यक्ति की खोज में है, और इसीलिए आज वो महर्षि व्यास के आश्रम में गए हैं। महर्षि व्यास के आश्रम? क्यों? आपके बेटे आस्तिक से मिलने। आस्तिक से मिलने? परंतु वो क्या करेगा? रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति? मैं कुछ समझी नहीं। बुआ, क्या तू नहीं जानती कि तक्षक के बाद अगर कोई योग्य व्यक्ति है उस पद के लिए तो वो है तेरा बेटा आस्तिक। मेरा बेटा आस्तिक? और नागवंशियों का मुखिया? हाँ बुआ, नागवंशी सभा ने तो ये निर्णय ले लिया है कि अब आस्तिक ही मुखिया होगा। क्या कहा तुमने? हाँ बुआ, आस्तिक ही अब नागवंशियों का मुखिया होगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बरसों की मनोकामना पूरी हो जाएगी। तनिक सुनो बेटा। कहिए बाबा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मैं आस्तिक से मिलने आया हूं। इस आश्रम में दो आस्तिक हैं। एक आस्तिक जो श्रेष्ठ हैं वो गंगा सागर यात्रा पर गए हैं, और दूसरे जो नागवंशी माता और आर्य पिता ऋषिजर की संतान हैं। मुझे उसी आस्तिक से मिलना है बेटा। वो वहां बैठे हैं बाबा। आस्तिक गजरू दादा, आप यहाँ पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ? तुमसे मिलने चला आया। आप लंबी यात्रा से आए हैं, पहले मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो कहिए क्या बात है?
आस्तिक, तुम तो जानते हो इस समय नाग समुदाय विशेष परिस्थितियों से जूझ रहा है। तक्षक ने जो भी कुछ किया है उससे समुदाय का सर लज्जा से झुक गया है, इसलिए उसे मुखिया पद से हटाना पड़ा। और ये भी सच है कि उससे योग्य व्यक्ति इस समुदाय के पास नहीं है, पर हम क्या करें, विवश थे। उसे इस पद से हटाने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। दादा, अब जो होना था वो तो हो चुका है। हाँ हाँ, जो होना था वो हो चुका, किंतु अब जो होना है उसी के लिए आए हैं तुम्हारे पास। मैं समझा नहीं। मुखिया का स्थान रिक्त पड़ा है। सारे नागवंशी समुदाय को एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश है जो इस पद को कुशलता पूर्वक संभाल सके। फिर ऐसा कोई योग्य व्यक्ति मिला आपको? इसीलिए तो चल कर आया हूं तुम्हारे पास। पर मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ? सारे समुदाय की दृष्टि तुम पर लगी हुई है। मुझ पर? हाँ, नागवंशी समुदाय का निर्णय है कि इस पद के लिए तुमसे योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप दादा, मैं नागवंशी समुदाय का मुखिया? हाँ, तुम आस्तिक। गजरू दादा, मैंने जो मार्ग चुना है वो ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान बांटने का मार्ग है। ज्ञान बांटना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम मुनि लोग हैं, हमारे मन में किसी भी प्रकार की सत्ता का कोई लोभ नहीं। इसीलिए तो मैं माताजी के रोकने पर भी महर्षि व्यास के आश्रम में चला आया। किंतु मैं तो तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। दादाजी, अब मैं इस आश्रम को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। आस्तिक, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह नागवंशियों के मुखिया का स्थान है जो मैं तुझे देने आया हूं। दादाजी, मुखिया का पद तो क्या, यदि कोई राजा का पद भी दे मुझे तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। मुनियों का स्थान तो ये आश्रम होता है। तो क्या इस आश्रम से मुझे निराश होना पड़ेगा? गजरू दादा, आपने यहां आने का कष्ट तो व्यर्थ ही किया। मुखिया के पद के लिए जिस योग्य व्यक्ति की आपको आवश्यकता है वो तो वही है। वही है जी। आप अपने बेटे शक्ति को कैसे भूल गए? वो वीर है, साहसी है, प्रतिभाशाली है। मुखिया के पद के लिए वही उपयुक्त रहेगा। आप उसे मुखिया बना दीजिए। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा योग्य है, किंतु यदि मैं उसे मुखिया बना दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि गजरू ने तक्षक को हटाकर अपने बेटे को मुखिया बना दिया। नहीं गजरू दादा, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए कोई ऐसा नहीं कहेगा। फिर भी कोई विरोध कर सकता है? आप नागवंशी समुदाय के प्रधान हैं। यदि आप मुखिया होते और अपने पुत्र को मुखिया बनाना चाहते तो वंश परंपरा का विरोध हो सकता था, किंतु योग्यता का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए। आपका पुत्र योग्य है, उसमें नेतृत्व की क्षमता है। मेरा परामर्श है कि आप उसे निसंकोच मुखिया बना दें। हम तुम्हारी बात पर अवश्य विचार करेंगे। फिर भी यदि कोई विरोध हुआ तो दोगे हमारा साथ? क्यों नहीं, मैं अवश्य आपका साथ दूंगा। तो शुभ कार्य में देरी क्यों, चलो मेरे साथ। नहीं, आज नहीं, आज मुझे महर्षि व्यास के साथ हस्तिनापुर जाना है। हस्तिनापुर? हाँ, आज राजकुमार जनमेजय को युवराज बनाया जा रहा है। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शिष्य आस्तिक, आज ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूं कि अपने हाथों से ये राजमुकुट युवराज के शीश पर रखो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, बधाई।
आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, बधाई। आज आप महाराज परीक्षित के उत्तराधिकारी बन गए। अब आप राजकुमार जन्मेजय से युवराज जन्मेजय हो गए। युवराज का अर्थ है राजा की अनुपस्थिति में उसके पूर्ण दायित्व को संभालना। अब प्रजा की दृष्टि देख रही है हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अपने भावी शासक को, अर्थात आप हस्तिनापुर के भविष्य हैं। आज के पश्चात आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आपके राज्य और आपकी प्रजा के हित के विरुद्ध हो। आप उन्हीं नीतियों का पालन करेंगे जो आपके पूर्वजों ने आपके लिए बनाई हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि समय अब पहले जैसा नहीं रहा। एक अद्भुत परिवर्तन आया है समय में। एक ऐसा युग आया है जिसे रोकने का प्रयास सदैव पांडवों ने किया और वो उसमें सफल भी रहे। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस युग को आने से हम नहीं रोक सके। ये कलयुग है और इसका प्रभाव तो हर वस्तु पर पड़ेगा ही। इसीलिए मेरा यह परामर्श है कि आप परंपराओं और नीतियों का पालन करें। बस यही कलयुग को रोकने का एकमात्र साधन है। महर्षि, जब तक आपकी छत्रछाया हमारे शीश पर है, हमें किसी भी युग का भय नहीं। जब तक आपका आशीर्वाद और परामर्श हमारे साथ है, तब तक कलयुग अपने पग यहां नहीं जमा पाएगा।